Hi, this is Ayushi Khurana and you're watching me on Bol Bollywood. So hi guys, welcome to our channel and hello Ayushi, congratulations Thank you so much. So first of all, tell me, कितना मज़ा आया टू डू दिस फोटोशूट एंड प्रोमो शूट? प्रोमो में तो बहुत मज़ा आया था, फोटोशूट में उससे भी ज़्यादा मज़ा आया जब आपको ऐसे पीछे से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना कि अरे एंग्री फेस प्लेजेंट प्लेजेंट, तो मतलब वो क्विक चेंज तो बहुत मज़ा आता है करने में. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था फोटोशूट ये, जो हमें माला में ऐसे लपेटा हुआ है, हम वैसे भी खींच रहे थे सो वो बहुत रियलिस्टिक लग रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. ऑलराइट, सो जैसे वी नो कि वी हैव सीन यू पुराने किरदार एंड योर लुक आल्सो इज स्लाइटली चेंज्ड फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हैड दिस लुक चेंज वगैरह? I always want to try something new. मतलब यू नो लास्ट शो में मैं शेफ थी, हाँ मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, तो पता है मतलब एक्टिंग मैं इसीलिए ही कर रही हूँ ना क्योंकि आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. ऐसे रियल लाइफ में तो तुम इतने करियर नहीं बदल सकते, बट देन कहीं ना कहीं तो इट विल हेल्प. या दैट्स व्हाई आई सेड कि मतलब मुझे जब ये बोला गया था कि आप रिपोर्टर हो, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि सेट पे इतने लोग आते थे बाइट ले रहे हैं, एंड देन आई यूज़ टू यू नो रिमेंबर कि मतलब कैसे होता था, कैसे वो लोग बाइट लेते थे, तो कहीं ना कहीं यू गाइस आर इंस्पिरेशन. या आई एम गोइंग टू पुट दिस सेपरेटली. ऑलराइट, सो वी नो कि जयती मैम भी आपके साथ एंड भरत इज ऑल्सो देयर, तो ज़्यादा मतलब वी विल सी योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, बट ऑफ स्क्रीन कुछ शेयर करो कि कितना मज़ा आया आप लोगों को? वी आर वेरी कूल विद ईच अदर, लाइक यू नो आई लाइक हिज वाइब एंड ही इज़ वेरी कम्फर्टेबल, आई फील वेरी कम्फर्टेबल विद भरत. हमारी बहुत सोच मिलती है, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसपे हम रिलेट कर सकते हैं, सो वी आर वेरी कम्फर्टेबल. तो हमारा जो भी राड़ा है जो हमारा शो में है वो हमारा रियल लाइफ में भी है, हम यू नो बट कभी ऐसे ईगो क्लैश नहीं हुआ कि मैं लीड हूँ तू लीड है, ऐसा कभी नहीं हुआ. लाइक वी आर बोथ आर वेरी ग्राउंडेड एंड ही रिस्पेक्ट्स मी एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क, बट वो टॉम एंड जेरी वाली फाइट हमारी चलती रहती है. ऑलराइट, सो वन वर्ड इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योर कैरेक्टर इन वन वर्ड, what would it be? My character? Yeah. She is strong, an alpha. Yeah. ये तो नया है ना? हाँ, an alpha, yes. Alright. And funniest moment on set? यार हर दिन कुछ ना कुछ फ़नी ऐसा होता ही है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब नहीं भी होगा ना तो हम कुछ ना कुछ फ़नी बना देंगे. लाइक आई सेड दैट आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद ध्रुव, उन्नति एंड राघव, सो वी फोर ऑफ अस वी हैव दिस बॉन्ड जहाँ पे हम लोग चिल करते हैं, बिचिंग करते हैं, हम सब करते हैं. सो आई जस्ट लव दैट पार्ट कि मतलब सेट के अलावा, मतलब शूट के अलावा भी ऑफकोर्स आप अगर 12-13 घंटे एक जगह पर बिता रहे हो, यू नीड सर्टन पीपल जिसके साथ आप कम्फर्टेबल हो, सो दीज आर माई पीपल. या सो वी हैव दैट बॉन्ड. अच्छा, तो अगर आपके कैरेक्टर के साथ आयुषी के कुछ सिमिलैरिटीज होंगे या कितने मतलब सिमिलर हो बेसिकली आप दोनों? लाइक सिमिलर तो हाँ, अल्फा तो है. लाइक आई एम वेरी डोमिनेटिंग इन रियल लाइफ एंड शी इज ऑल्सो डोमिनेटिंग, रीत भी डोमिनेटिंग, मैं भी डोमिनेटिंग हूँ. तो जैसे वो अपनी फैमिली को लेके चल रही है वैसे ही मैं अपनी फैमिली को लेके चलती हूँ. जैसे पूरी फैमिली यू नो डिपेंडेंट है रीत पे, वैसे ही मेरी फैमिली डिपेंडेंट है मुझ पे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिलेट कर सकती हूँ. आई लव माई फैमिली, माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी. रीत के लिए भी उसकी फैमिली उसकी प्रायोरिटी है. सो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ है. सो या ओके, सो आपके कैरेक्टर के साथ मतलब अगर इफ़ यू हैव टू चूज वन सीन अब तक कोई शूट किया है तो कौन सा फेवरेट सीन, कोई लाइन याद है? हाँ वो आई थिंक जब वो राघव मेरे घर आके मुझसे कहता है कि तुम बनोगी मेरी गारंटी वाली बीवी, तो मैं उसको कहती हूँ सेकंड क्या कहा हमने, गारंटी कार्ड? आपको क्या लगता है मेरा भाई कोई चीज़ है जिसे खरीदने के लिए आपको मैं इस गारंटी कार्ड चाहिए? सो आई स्टिल रिमेंबर दिस लाइन बिकॉज हमने इसको इतनी बार रिहर्स किया था. तो वो जो एक सीन था मेरा और राघव का जिसमें वो प्रपोज करता है कि तुम मेरी गारंटी वाली बीवी बनोगी, और मैं उसको रिफ्यूज़ करती हूँ कि नहीं मैं किसी की गारंटी वाली बीवी नहीं बनने वाली हूँ. तो वो सीन हमने लाइक लिटरली बहुत बार रिहर्स किया, तो हम दोनों को वो रटा हुआ है सीन, तो वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट सीन अभी तक का. ओके, एंड लास्टली अगर आपको बताना होगा अपने ऑडियंस, मतलब आपने जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया अबाउट योर न्यू शो एंड न्यू कैरेक्टर, सो व्हाट वाज द फीडबैक यू गॉट? सब लोग बहुत एक्साइटेड थे लाइक, और मैंने मतलब मैं ब्रेक नहीं बोलूँगी बट देन ऑफकोर्स 3-4 महीने तो मैंने ब्रेक ले ही लिया था कि यार अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब करना है नहीं करना है. ऐसा होता है ना कि अब थोड़ा घूम लेते हैं, ट्रिल करते हैं, उसके बाद शो लेंगे, बट देन आई कैन नॉट सिट एट होम एंड डू नथिंग. तो फिर देन दिस शो हैपेंड, सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड. माई इवन माई फैंस जो भी
जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, मेरी खुद की फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब बहुत एक्साइटेड है इस शो के लिए. और क्योंकि प्रोमो इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है, इतना यू नो एक स्टोरी जो आई थिंक सबने इस बारे में सुना है आटा साटा, बट कभी लोग इस बारे में बात नहीं करते, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो वो एक नई चीज़ जो हम लेकर आ रहे हैं, आई थिंक एवरीबडी इज़ एक्साइटेड. ओके, सो इफ योर ऑडियंस आस्क्स यू मतलब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके किरदार से, सो व्हाट वुड यू से? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मेरे किरदार से, यही कि जो सौदे वाली शादी में रीत पड़ रही है, क्या कभी उसको उसमें प्यार मिलेगा? इवन शी डजंट नो दैट. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर मेरी जो जर्नी है. आई थिंक आप लोग उससे अपनी अपनी यू नो सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अपने स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, तो आई होप आप रिलेट कर सकोगे. और या जस्ट आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये शो अच्छा यू नो लोगों को पसंद आए और हमारी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आए. सो ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच.